पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अचानक से इस सेक्टर की खूब चर्चा हो रही है। इन्हें आपने सीआईडी शो में खूब देखा होगा। इनका नाम है विवेक मशरू, जो अब एक्टिंग से दूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विवेक एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं कि अब वो कहाँ है और कर क्या रहे हैं। वही विवेक ने खुद बताया है कि उन्होंने सिर्फ 3 महीने के लिए सीआईडी सीरियल को साइन किया था, लेकिन 6 साल तक उससे जुड़े रहे। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि आखिर उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा क्यों कह दिया था। हाल ही में एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में विवेक ने बताया, मेरी वाइफ इंग्लिश टीचर है और उसने मुझे मेरी फोटो वायरल होने के बारे में बताया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। आप हमेशा दूसरे लोगों के साथ ऐसा होता हुए देखते हैं। मैं आभारी हूँ। आपको बता दें कि विवेक से जुड़ी ये बात भी लोगों को हैरान कर रही है कि वो एक्टिंग छोड़ बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुके हैं। विवेक ने इस बारे में कहा, मुझे खुशी है कि वो ऐसा सोचते हैं। मैं यूनिवर्सिटी के पूरे डिपार्टमेंट के कामकाज की देखरेख करता हूँ। ये लीडरशिप पोजीशन है। मैं अब जुलाई में उससे भी बाहर निकल रहा हूँ और नया स्कूल लॉन्च करने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि विवेक ने जून 2012 में एक्टिंग को अलविदा कह दिया था और 11 साल से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीआईडी में कैसे पहुंचे और उनके वहां 6 साल कैसे रहे, उन्होंने ये भी बताया। विवेक इस बारे में कहते हैं, मैंने किशोर नमित से ट्रेनिंग ली थी और फिर मुझे मेरी माँ ने बताया कि सीआईडी के मेकर्स एक ऑफिसर के रोल के लिए एक्टर की तलाश में है। उनका एक ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन था, ऑपरेशन तलाश। मैंने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गया। मेरे नाना नानी इस शो के फैन थे और इसे बहुत लगन से देखते थे। मेरी कास्टिंग की अनाउंसमेंट से पहले ही मेरे नाना का निधन हो गया था। मैं बहुत इमोशनल था। आपको बता दें कि विवेक का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट केवल 3 महीने के लिए ही था इस शो से, लेकिन शो के निर्माता इसे बढ़ाते रहे और ये 6 साल बाद खत्म हुआ। फिर एक दिन उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया और इंडियन हिमालय में घूमते रहे। वापस आने के बाद उन्होंने खुद को अपग्रेड किया और सिंगापुर से अपनी हायर एजुकेशन पूरी की। उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर किया। एक चीज ने दूसरी चीज को जन्म दिया और वो चचेरी बहन की शादी के लिए वेडिंग प्लानर भी बने। अपने पिता के बिजनेस की देखरेख करने लगे और एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया। उनके पास डेटा साइंस और बिजनेस एनालिस्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है। 39 साल के विवेक बेशक टीवी से दूर है, लेकिन वो अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं।